रेस्पेक्टेड वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर के जी सुरेश सर जो कल यहाँ ऑस्पिशियस ओकेजन पर सेलिब्रेशन थी ऐसी मैंने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखी है <laughs> मनी मनी कॉन्ग्रैट्स और आपने हमारे पूरे इंडियन डायसफोरा के लिए एक आई ओपनर किया है जहाँ एक ड्राइवर के बच्चे ने भी और वाइस चांसलर के बच्चे ने भी स्टेज पर परफॉर्म किया uh, रिस्पेक्टेड आशीष जी प्रोफेसर गुप्ता जी डॉक्टर श्रीधर राजेंद्र चुग जी मनोज कुमार जी सबसे पहले मैं आपसे दो तीन इंस्टा से शेयर करना चाहता हूं क्योंकि रेडियो का पावर बहुत जबरदस्त पावर है रेडियो लोगों के दिल को छूता है सर एक बार कटरा से वैष्णव देवी के एक प्रग्रमेज आ रहे थे वो जम्मू रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे तो जम्मू रेलवे स्टेशन से हमारी लैंड लाइन पर फ़ोन आया सर मेरा इस टैक्सी में ब्रीफ केस रह गया है तो काइंडली आप रेडियो पर मैसेज चलाएँगे हमारा रेडियो तो कश्मीरी लैंग्वेज में है दो तीन घंटे डोगरी और पंजाबी के उसमें हैं और हिंदी के एक ग, हिंदी के लिए एक घंटा है फर्स्ट थिंग आई आस्क हिम मैंने उसको पूछा कि आप हो कहाँ के उन्होंने कहा हम लखनऊ के हैं मैंने कहा फिर हमारे रेडियो से आपके संदेश में क्या फर्क पड़ेगा कहना नहीं सर जो हमारा ड्राइवर था वो कटरा से पूरे रेलवे स्टेशन तक यही रेलवे रेडियो स्टेशन सुनता था <laughs> देखो रेडियो कितना पावरफुल है अगर हम कोई भी मीडिया मीडियम ले अभी भी लेकिन रेडियो इतना पावरफुल मीडियम है ये लोगों तक डायरेक्टली उसी समय रीच करता है और इन ए वेरी अट्रैक्टिव वे नंबर दो कश्मीर में फ्लड आए बहुत जबरदस्त फ्लड आए कश्मीर में बहुत सारे लोग इफेक्ट हो गए हमारा रेडियो स्टेशन जम्मू में है क्योंकि हम स्थापित की जिंदगी गुजार रहे हैं तो दुबई और यूनाइटेड अरब इमारात से हमें फोन आते हैं लैंडलाइन पर सर हमारे घर की पोजीशन क्या हमारे घर वालों की पोजीशन क्या है क्योंकि वो कश्मीर में रेडियो सुनते हैं दुबई और यूनाइटेड और अमारात में तो मैंने पूछा भाई हम तो जम्मू में हैं कहने लगा नहीं सर हम तो आपका रेडियो सुनते हैं हमें उनकी फिर मैंने कहा कोई बात नहीं आप मुझे दो घंटे के बाद फ़ोन करना क्योंकि उस टाइम आर्मी के कर्नल सांगला कश्मीर में आ, सारा ऑपरेशन देख रहे थे तो हमारा तो नेचुअली कांटेक्ट था हमने कलर सांगरा को मैसेज किया उसने कहा उसने हमें बोला था कि मैसेज करना वाली फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो मैसेज करके लोकेशन भेज दी चार और उसने उधर से हमें चार नंबर भेज दिए इस लोकेशन का इंचार्ज ये है इसका ये है इसका उनको को इन नंबर से बात करो तो आपको यकीन नहीं आएगा कि दुबई और यूनाइटेड अरब इमारात में बैठ के अपने घर वालों का पता थ्रू रेडियो शारदा एक मीडियम बन गया था कितना बड़ा पावरफुल मीडियम है एक और घटना मैं आपको बोलूंगा उसके बाद एक बोलूंगा फिर बोलूं, बाकी करूंगा एक हमारे कश्मीरी हमारी कम्युनिटी के एक डॉक्टर थे सर्जन स्पेशलिस्ट थे वो यूनाइटेड स्टेट्स में थे उनको कैंसर हो गया था तो उसमें जूझ रहे थे तो उसके बाद दो साल के बाद उनका निधन हो गया उसकी वाइफ इंडिया आई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और उसकी वाइफ ने मुझे फोन करवा के फोन किया कि मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला जब जाओगे इंडिया तो हरिद्वार में एक दान करना दूसरे रेडियो शारदा पर दान करना क्योंकि रेडियो शारदा ने मेरे को ये दो साल निकाले मैं रेडियो की पावर के बारे में आपको क्योंकि आप सारे लोग यंग हैं ये बहुत पावरफुल मीडियम है हमारे जम्मू कश्मीर में सेक्रेट्रेट छः महीने कश्मीर में होता था छः महीने जम्मू में होता था अब चूंकि पाँच अगस्त 1919 उन्नीस के बाद सेक्रेटरीट कश्मीर में ही या जम्मू में ही रहता है तो एक सेक्रेटरीट के एक बच्चे के साथ उसकी माँ आती थी जम्मू वो सिलाई का काम करती थी सिलाई के काम करते करते वो रेडियो सुनती थी जब वो छः महीने के बाद टंगमर्ग चली गई टंगमर्ग से फ़ोन करती है मैंने सुनी थी रेडियो ही मुझे ये रेडियो यहां आता नहीं है मैं क्या करूं उधर तो मैं लगन से काम कर रही थी अब यहां क्या करू तो रेडियो का एक बहुत जबरदस्त पावर है लेकिन इसके लिए आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी एक रेडियो का ना एक करेक्टर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर श्रीधर ने एक सवाल पूछा था कितने लोग के घर में रेडियो है मैं उस सवाल को मॉडिफाई करता हूं कितने लोगों ने रेडियो देखा है तो फिर तो अच्छी बात है सब लोगों ने रेडियो देखा है और ये जो रेडियो है ना मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले तेरह साल से ये अपने जो उसकी वेव है उसके माध्यम से एक आदमी को इतना मस्त एंटरटेनमेंट देता है इतना मस्त एजुकेट करता है और इतना मस्त अपने काम में लगन देता है ये आप आप मैं आपको सुनाऊँगा आप में से कितने बच्चे हैं जो जब मैं भी जब कॉलेज में था तो मेरा माइंड भी डाइवर्ट होता था जब मैं पढ़ता था सवेरे जब बैठते हैं ना पढ़ने के लिए जब घर का फोर्स होता भाई पढ़ो तो माइंड के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अगर हम उस टाइम इस रेडियो को ऑन करके एक मधुर संगीत चलाएं तो क्या पढ़ने में कितनी दिलचस्पी आएगी आएगी कि नहीं आएगी सो so, इसका मतलब है रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो आपको अपने काम के साथ उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करता है इनफैक्ट डबल करता है और उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के हम सब लोगों ने एक माध्यम ढूंढा है और आपने इस माध्यम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है और एक और चीज आज मैं जब यहां हूं तो मैं कहता हूं अगर मुझे कॉलेज में प्रोफेसर ये नहीं मिले होते तो शायद मुझे ये समझ नहीं आ जाती ये है कि नहीं है लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में जहां गंगा की तो धारा ही बहती है प्रोफेसर के जी सुरेश है वाइस चांसलर और आशीष जी है रेडियो के हेड तो मैं खुद चाहता हूं कि मैं इनके अंडर सीखूं मैं यहां आऊं और एडमिशन ले लूं और इस जैसे आपके एक्सपर्ट अगर आप ढूंढोगे ना पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेंगे सरल सहज और अप्रोचेबल और हंसते रहते हैं डिफिकल्टी में भी हंसते रहते हैं सरल और सहज है अप्रोच करो सीखो और उस सीख को आगे बढ़ाओ कितनी अच्छी बात है एक रेडियो मीडियम ऐसा है जो आपके अंदर जाके आपकी क्षमता को डबल करता है दूसरा एक टीचर जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और आगे बढ़ने में कोशिश करता है तीसरी चीज हम जहां पैदा होते हैं लार्जर इंटरेस्ट में उसको सोसाइटी कहते हैं तो सोसाइटी में ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज होती है उन आइडेंटिटीज को हम कम्युनिटीज कहते हैं हर कम्युनिटी का जैसे हम भारतवर्ष में कहते हैं जो मेरी अब तक नॉलेज है 19,500 से ज्यादा लैंग्वेज है इंडिया में जहां बोली जाती है लेकिन हर एक साल में 50 से सत्रह लैंग्वेज डाई डाउन हो जाती है वो मर्ज हो जाती है तो जो जो डिफरेंट एरियाज है जो 15-20 मीटर का एरिया 15-20 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में क्या होता है आपने कभी आप कभी गए होंगे अपने एरिया में तो देखा होगा कि यहाँ का जो गायन है यहाँ के आज की जो लोक शैली है वो डिफरेंट है कितने ने ऑब्जर्व किया है डिफरेंट है अब उस लोक शैली को उस गायन को उस वहाँ के लोगों के जिस व्यवहार को अगर हम प्रिजर्व करने की कोशिश करें अगर हम किसी माध्यम के जरिए उन तक और पहुंचाने की कोशिश करेंगे उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे कितना अच्छा होगा और इसके साथ आज की युवा पीढ़ी को क्या चाहिए हम सब ने प्राइम मिनिस्टर के सारे भाषण सुने होंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इनोवेटिव इनोवेटिव नया करो वो पहली वाली जो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज थी थ्रूआउट वर्ल्ड अब वो नहीं रही है अब किसमें काम मिलता है इनोवेशन में कुछ नया करोगे आपका नाम आगे आएगा अभी हमने एक प्रोग्राम किया फ्रॉम ग्लोब टू विलेज हम अपने ट्राइबल एरियाज में गए कोई 50-60 किलोमीटर का वो ट्राइबल एरिया है तो हमने उनको कल्चर के उजागर करने के लिए काम किए मैं आपको बताऊंगा एक बंदे के एक साल में एक लाख तीस हजार फॉलोअर्स हो गए लेकिन उसने क्या किया उसने अपनी इनोवेशन को एक्सप्लाइड किया थ्रू इंटरनेट और उसके यूट्यूब के फॉलोवर हो गए एक लाख तीस हजार अब वो बंदा है अनपढ़ उसका नाम है अशोक हंस उसने तीन एंप्लॉ रखे हैं अपने साथ जो उसकी कैलकुलेशन करते हैं अपलोडिंग करते हैं डिफरेंट वो स्टेटिक्स uh, करके देते हैं तो वो एक तो उसने अपनी इनोवेशन से अपनी अपने लिए तो एक माध्यम ढूंढ ही लिया दूसरा तीन लोगों को गाँव के दूर दराज एरिया में नौकरी भी दे दी ये होते हैं इनोवेशन इस इनोवेशन में मैं आपको एक मतलब सच्ची बात बोलूँगा आप सब लोग रेडियो से जुड़ो ये जो आपके टीचर हैं इनसे सीखो और ये जो रेडियो का माध्यम है यह आपको न केवल एक इनोवेटिव इनोवेटिव ऑस्पेक्ट दे देगा बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा आपको यह वेव्स, बेशक रेडियो भी एक वेव्स की तरह चलता है लेकिन यह जो वेव्स है यह आपको ऑडियो वीडियो सब चीजों में आपको एक आगे बढ़ने में मदद करेंगे। चौथी बात जब हम कम्युनिटी रेडियोस की बात करते हैं तो हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ पर एहसान नहीं करते हैं हम सिर्फ ये करते हैं अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और उस कम्युनिटी के प्रति, उन लोगों के प्रति, उनके जो उनका गीत है संगीत है वायन है वादन है तो उस चीज़ को आगे करने, करने में और उस लैंग्वेज को और उस वहाँ के जितने भी वो क्या कहते हैं कल्चर को उसको बचाने के लिए जो हम काम करते हैं वो हमारी सेटिस्फेक्शन से भी ज़्यादा हमको दे देता है इसलिए मेरी आपसे यही रुकवाइ रहेगी कि आप सब लोग रेडियो से जुड़ जाओ और रेडियो में अपना एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट दे दो इंडिविजुअल इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हम सब लोग यहाँ दो तीन सौ लोग बैठे हैं अगर रेडियो करमवीर को हम 300 इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स दे देंगे तो कितना भंडार हो गया ये फायदा न सिर्फ करमवीर को हुआ न सिर्फ महनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी को हुआ ये फायदा हम तीन चार सौ लोगों को इकट्ठे हुआ है तो इसमें हम सब अपना योगदान दे हम सब अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें मेरे पास बहुत स्टोरीज है जो आपके लिए एक इनोवेशन बनी बने, बने सकती है लेकिन आज हम सब लोग प्रण करें कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे आधे घंटे का घंटे का पंद्रह मिनट का बीस मिनट का वो दे के कर्मवीर रेडियो को सही तौर पर अपने कर्मों की अपने कर्मों का प्रावधान करें और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू नमस्कार